हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलिस्ट। मेरा नाम अमित कुमार और आज मैं आया हूँ कुलदीप भाई के पास, जो कि एक ग्रेट डेन लवर हैं। और इनके पास ये एक ब्लैक कलर का ग्रेट डेन है और काफ़ी टाइम से, एक बहुत लंबे टाइम से कुलदीप भाई ग्रेट डेन रख रहे हैं और ग्रेट डेन में इन्होंने काफ़ी काम किया है। बट अभी इन्होंने एक ये मेल रखा हुआ है जिसकी एज है 7 मंथ। तो 7 मंथ का मैं मेल देख रहा हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ब्लैक कलर के ग्रेट डेन बहुत ही जो है रेयर होते हैं, अभी तक मैंने ब्लैक कलर के जो है ग्रेट डेन बहुत ही कम देखे। तो कुलदीप भाई बताएं आप, ये क्या ब्लड लाइन है और कहाँ से लिया, क्या इसके बारे में सब कुछ बताएं आप कुलदीप भाई। ये मेरे फ्रेंड है शिवम चौधरी। अच्छा, दलूपरा गांव से। जी, तो दलूपरा कैनल के नाम से उनका वो ग्रेट डेन रखते हैं। दलूपरा डेन्स। हाँ जी। अच्छा, दलूपरा डेन्स, तो ग्रेट डेन ही रखते हैं वो। अच्छा, इसकी पास है 12-14 डॉग्स है उनके पास। तो इसकी एज 7 मंथ है। अच्छा, और ये जिंगा ब्लड लाइन से है। जिंगा ब्लड लाइन। इसकी मदर भी उन्हीं के पास है जिनसे आपने ये लिया है। हाँ जी, उन्हीं के पास है। वो गौरी मैम है पूना से। जी, उनके पास एक डॉग जो कि केसीआई की जज भी है, आई थिंक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, उनके पास है वो स्टारमैन। इसकी मदर है जो स्टारमैन की डायरेक्ट वो है डॉटर। तो ये काफी फ्रेंडली है कुलदीप भाई, ऐसा कोई बाइट वाइट तो नहीं करता जैसे अभी ये चढ़ रहा है। मदर है जी जी, वो स्टारमैन की डॉटर है। अच्छा, ये काफी फ्रेंडली है कुलदीप भाई, मैं इसको देख रहा हूँ। हाँ, इसकी हाइट कितनी है अभी? हाइट इसकी होगी 30 इंच के आसपास, 30 से 31-32। 30 से 32 इंच के आसपास। और आपने डॉग शोज करोगे, आप इसको लेके जाओगे डॉग शोज में, आप लेके जाते हैं? हाँ जी, अभी अलवर है 29 और 30 तारीख का, वहाँ पे लेके जाऊँगा। 29 और 30 तारीख का अलवर डॉग शो। हाँ जी। तो इससे पहले कभी कहीं किया भी आपने? नहीं, अभी नहीं लेके गए इसे। अच्छा, तो वहाँ ये क्या इस एज में, क्या पप्पी क्लास में डॉग शो? पप्पी क्लास में। अच्छा, पप्पी क्लास में। अच्छा, आप इसके थोड़ा डाइट के बारे में कुलदीप भाई बताएं हमें। डाइट इसे मैं दे रहा हूँ विनर प्लस फूड, सैल्मन राइस। अच्छा, डॉग फूड आप खिलाते हैं, तो घर का खाना क्यों नहीं देते? घर का खाना भी जैसे लस्सी दही वगैरह वो दे देते हैं। अच्छा, आपने घर की नेचुरल डाइट भी आप देते हैं इसको। अच्छा, तो ग्रूमिंग वगैरह की कितनी आपको इसमें नीड लगती है इस ब्रीड में, आपको बताएं मुझे। ग्रूमिंग में है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। अच्छा, ज़्यादा मेहनत नहीं। शॉर्ट कोट ब्रीड है, मैं इसको देख रहा हूँ, बिल्कुल बहुत स्मूथ कोट है। और इसका टेम्परामेंट कैसा है कुलदीप भाई? टेम्परामेंट ठीक है, अननोन ब्लड लाइन में वैसे थोड़ा एग्रेसिवपन है, लेकिन ये ठीक है। नहीं, जैसे मैं तो फर्स्ट टाइम इसको मिला हूँ, तो किसी तरह का मुझे नहीं लग रहा है इसके साथ कि ये थोड़ा सा मुझे तंग जरूर कर रहा है, पर शायद खेलने के लिए ये मुझे बोल रहा है। हाँ जी। अच्छा, तो और डिजीज़ वगैरह आप ग्रेट डेन के बारे में आप बताएं थोड़ा सा कि डिजीज़, ये ब्रीड तो अभी धीरे धीरे ख़त्म ही हो गई है। ख़त्म क्या, कम, बहुत ज़्यादा कम हो गई है, अब लोग ग्रेट डेन रखते भी नहीं है। तो डिजीज़ वगैरह के लिए आप बताएं इसके, थोड़ा डिजीज़ किस तरह की इन डेन्स में होती है, इन्फेक्शन वगैरह बीमारियाँ किस तरह की इनमें होती है? इनको बिल्कुल सॉफ्ट गद्दे पर बिठाना पड़ता है, इनकी जो एल्बो है मतलब ये ख़राब हो जाती है, ये जो पैर इनके ख़राब हो जाते हैं। हाँ जी। अच्छा, और वैसे कोई बीमारी कुत्तों में होती है किसी तरह की? नहीं, वैसे कोई नहीं। खाने को लेके सबसे ज़्यादा मतलब है जो गैस से रिलेटेड ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके लिए फिर क्या ध्यान रखना पड़ता है? जैसे कोई भी गैस की चीज़ें ना दे, जैसे एग वगैरह, सोयाबीन, जिससे गैस बनती हो जिससे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो ब्लॉटिंग की बहुत ज़्यादा हो जाती है प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप इसको कितना वॉक और एक्सरसाइज की इसको कितना ज़रूरत होती है? इसे 4 किलोमीटर तक वॉक कराते हैं डेली। आप 4 किलोमीटर वॉक कराते हैं इसे? हाँ जी। तो बाकी अभी आप इसके और भी डॉग हैं आपके पास कुलदीप भाई? हाँ, एक मेरे पास फीमेल है सिरजू। अच्छा, सिरजू फीमेल है, उसका मैं एक सेपरेट अभी वीडियो करूँगा अलग से। तो और इसके बारे में कुछ आप बताना चाहें? बस, इसका फादर किसके पास है? इसका फादर भी उसी के पास है, शिवम चौधरी। अच्छा, फादर भी उन्हीं के पास है। ये कुलदीप भाई का ग्रेट डेन डॉग है। ग्रेट डेन लवर बहुत ज़्यादा कम रह गए हैं, बट जो अभी भी ग्रेट डेन रखते हैं उनको ग्रेट डेन ही पसंद आता है। और ब्लैक कलर का इतना ब्यूटीफुल ग्रेट डेन मैंने काफ़ी टाइम के बाद देखा है, और बड़ा स्ट्रॉन्ग डॉग है। आप देख सकते हो जैसे फोटोज़र इसमें आप देख रहे हो इसको, और आप अगर इसको लाइव देखोगे तो ये और ज़्यादा अच्छा है। लाइव में अगर आप इसको देखोगे तो ये आपको और ज़्यादा ब्यूटीफुल डॉग दिखेगा। तो अगर आपको ग्रेट डेन के रिगार्डिंग अगर कभी कोई बात अगर कुलदीप भाई से करनी है या कुछ पूछना है, कुलदीप भाई आप ब्रीडिंग भी कभी करते हो?
ब्रीडिंग फीमेल थी पहले मेरे पास, वो डेथ कर गई। वो डेथ कर गई, तो अभी कुछ प्लान है आगे ब्रीडिंग का आपका, ग्रेडिंग की? हाँ जी, लेके आऊँगा मैं एक फीमेल लेने। तो आगे कुलदीप भाई का ब्रीडिंग का भी प्लान है, अगर आप ग्रेडिंग के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी आपकी है तो आप कुलदीप भाई से बात कर सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुलदीप भाई का आपको नंबर दे दूँगा, तो आप वहाँ जाके इनका नंबर लेके इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।